हेलो गाइस, आई एम डोरा क्वीन फ्रॉम डोरा क्वीन चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ क्रिसमस और न्यू ईयर आपका अच्छा बीता हो। और मैं बहुत दिनों के बाद आज फैक्ट वाली वीडियो डाल रही हूँ, तो एंजॉय करना और एंड तक ज़रूर देखना। तो आज का वीडियो किसके ऊपर होने वाला है टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। नाचो क्यों, कौन गाता है? अरे हमारा सुनियो होनिकावा। हाँ, हम बात करने वाले हैं डोरेमोन सीरीज की सबसे रिच पर्सन का बेटा सुनियो होनिकावा। सुनियो होनिकावा डोरेमोन सीरीज के 5 मेन कैरेक्टर्स में से एक मेन कैरेक्टर, जिसकी बुरी आदत है फिजूल खर्चे करना, जियान के सामने जियान की तारीफ दिखाना और अपने शहर में इलाके में सारे बच्चों में जियान का खौफ दिखाना कि वो बहुत डरावना है, और जियान के पीछे उसकी बुराई करना और जियान के सामने नोबिता की बुराई करना। एक तरह से देखा जाए तो वो किसी को भी अच्छा दोस्त नहीं मानता है, ऐसा ही है। और उसे ऐसा लगता है कि स्कूल में सबसे रिच लड़का है, और वो उससे अमीर अगर लड़का आ जाए तो उसका कोई भी दोस्त नहीं होगा, पैसे से ही दोस्त बनाया जा सकता है। हमें एक न्यू एपिसोड में दिखाया गया था कि सुनियो ये मानता है। उस एपिसोड का नाम क्या है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपको एक क्लू दे रही हूँ। उस एपिसोड में दिखाया जाता है कि सुनियो के स्कूल में उनके क्लास में एक नया लड़का आता है जिसका नाम है बिल मनी, और वो सुनियो से भी ज़्यादा अमीर है। तब वो डर जाता है कि उसका कोई दोस्त नहीं रहेगा, और वो उस बिल मनी से भी जलने लगता है। इनमें नोबिता को ये भी बोलता है, अगर मेरे पास पैसे नहीं होगे तो तुम क्यों मेरी मदद करना चाहोगे, मेरे क्यों दोस्त रहोगे। फिर नोबिता ये बात बोलता है, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और हमेशा मेरे दोस्त रहोगी। और एक बात बताती हूँ, अगर तुम लोग डोरेमोन के ट्रू फैन हो तो तुम्हें ये बात पता होगी अगर सारे एपिसोड्स देखते हो। तो जैसे कि हम सब जानते हैं सुनियो से कौन नहीं जलता, हर कोई जलता है। वो हमेशा शो ऑफ करता है कि उसके पास ये है वो है, बहुत सारे लोग जलते हैं उससे, जैसे कि जियान, नोबिता, शिजुका, फिर डोरेमोन और इलाके के बहुत सारे बच्चे उससे जलते हैं, लेकिन सुनियो भी जलता है नोबिता से। नोबिता का सुनियो से हाइट ज़्यादा है, इस बात से सुनियो बहुत जलता है। वो चाहता है नोबिता जैसा लंबा होना, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। और दूसरी एक बात है, वो है डोरेमोन। नोबिता का बेस्ट फ्रेंड है डोरेमोन, लेकिन सुनियो चाहता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाए डोरेमोन, क्योंकि डोरेमोन के पास बहुत सारे गैजेट्स है, बहुत कुछ है। लेकिन एक एपिसोड में कोशिश भी की थी कि डोरेमोन उसका दोस्त बन जाए, लेकिन नहीं हुआ। उसके बदले और कोई दोस्त बन गया। उसके बाद सुनियो ने एक कोशिश छोड़ ही दी है कि डोरेमोन उसका दोस्त बन जाए। और सुनियो खुद को घंटे तक आईने में देखता रहता है, पता नहीं क्यों लेकिन देखता रहता है। और वो ये बात मानता है कि वो सबसे सुंदर लड़का है दुनिया में। और दूसरी तरफ और एक एनिमे सीरीज़ है जिसका नाम है किटरेत्सु, वो भी डोरेमोन से काफ़ी मिलता जुलता है। तो उसमें भी सुनियो की तरह एक कैरेक्टर है जिसका नाम है टोंगारी। तो वो क्या करता है, वो गुड्डे गुड्डियों से खेलता है लड़कियों की तरह, और उसे पसंद है। जैसे सुनियो को खुद को आईने में देखते रहना पसंद है, वैसे ही उसे खिलौने से, लड़कियों के खिलौने से खेलना बहुत पसंद है। अगर आप किटरेत्सु और डोरेमोन ये दोनों एनिमे सीरीज़ रोज़ देखते हो तो आपको ये बात पता होगी। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है, किटरेत्सु या फिर डोरेमोन। मेरा तो फेवरेट है डोरेमोन, और मुझे फुजियो के हर एनिमे सीरीज ही अच्छे लगते हैं। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो आज मुझे यहाँ पर रोकना पड़ेगा।
और सुनने को लेकर और भी बहुत सारे बातें हैं जो मैं करना चाहती हूँ आप सब से, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को बहुत बहुत लाइक करना पड़ेगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि सुनियो कैरेक्टर आपको कैसा लगता है। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, डोरा क्वीन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं कोशिश करूँगी मेरे चैनल पर इस तरह के वीडियोस और डाल सकूँ। और ये भी कोशिश करूँगी कि मैं मेरे वीडियोस को और अच्छी तरह से बना सकूँ। और एक बात जो कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैंने इस वीडियो में सुनियो के बारे में बहुत कुछ बोला, लेकिन एक बात ये भी है, जब भी नोबिता किसी मुसीबत में पड़ता है और डोरेमोन नहीं रहता तो सबसे पहले मदद करने जियान और सुनियो भी आता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सुनियो जितना कुछ भी कहे, जितना भी शो अप करे, लेकिन जब भी नोबिता किसी मुसीबत में पड़ता है और डोरेमोन नहीं रहता तब पहले जियान और सुनियो ही आते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सुनियो भी अच्छा है, इसलिए तो वो मेन कैरेक्टर्स में से एक है। तो आज मैं चलती हूँ, मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।